बीते हुए कल के खातिर हमें आने वाला कल खराब नहीं करना चाहिए। जो चला गया उसका शोक मत कीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए। देखिए आदमी के भीतर जो है ना एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। क्या कि आदमी के पास जो है ना वह आदमी को मिट्टी लगता है, और जो वस्तु नहीं है ना वो आदमी को सोना लगता है। ये आदमी की बड़ी कमी है, और इस कमी के कारण ही आदमी रोते रोते जन्म लेता है, और रोते रोते ही जीते हुए, और रोते रोते ही मर जाता है, इसी कमी के कारण। लेकिन गीता हम सबको ये संदेश देती है कि जो चला गया उसका शोक मत कीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए। देखिए अगर हमारे पाँव में जूते नहीं है तो आप ये सोच सोच के मत रोइए कि मेरे पाँव में जूते नहीं है। आप ये सोचिए कि मेरे पास तो केवल जूते नहीं है, इस संसार में तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो पाँव ही नहीं है। उन लोगों से तो भगवान ने हमें अच्छा बनाया है ना। अगर हमारे पास चश्मे नहीं है तो चश्मे के लिए मेरे पास चश्मा नहीं, चश्मा नहीं सोच के रोइए मत। आप ये सोचिए कि इस संसार में मेरे पास तो केवल चश्मे नहीं है, इस संसार में तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास तो आंख ही नहीं है, उनसे तो अच्छा भगवान ने मुझे बनाया ना। तो जो नहीं है उसका सोच सोच करके उसका चिंतन मत करते रहिए, जो है उसका आनंद लीजिए। देखिए सुखी होने के लिए आप जो है परिस्थिति को मत बदलिए, सुखी होना है ना तो अपने मन स्थिति को बदलिए। क्योंकि हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हमारी मन स्थिति ठीक है तो हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहेंगे। और दूसरी ओर हमारी परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो लेकिन हमारी मन स्थिति अच्छी नहीं है तो परिस्थिति के अच्छे होते भी हम सुखी नहीं रहेंगे। इसीलिए सुखी होना चाहते हैं ना तो परिस्थिति को नहीं मन स्थिति को बदलिए। आप देखिए राम जी जो है जंगल में रह करके भी सुखी थे, और रावण जो है सोने के महल में भी रह करके दुखी था। क्यों? क्योंकि राम जी जंगल में थे, उनकी परिस्थिति खराब थी, लेकिन उनकी मन स्थिति ठीक थी ना तो वे जंगल में भी रह करके खुश थे। और रावण की परिस्थिति ठीक थी लेकिन मन स्थिति ठीक नहीं थी तो वह महल में भी रह करके दुखी था, दिन रात चिंता की आग में जल रहा था। इसीलिए सुखी होना चाहते हैं तो परिस्थिति नहीं मन स्थिति को बदलिए। मन स्थिति बदलने का मतलब है कि जो आपके पास नहीं है उसका शोक मत कीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए।